नमस्कार मित्रों, आप लोगों मेरे चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज मैं एक टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन करूंगा और वह महिलाओं की बीमारी है जिसका नाम है बल्कि यूट्रस। मित्रों, बल्कि यूट्रस का मतलब बच्चेदानी का आकार में बढ़ जाना। यह आज के समय में आम बात हो गई है। मित्रों, बल्कि यूट्रस हो जाने के बाद तमाम परेशानियां झेलनी पड़ती है। बहुत तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं और इस बल्कि यूट्रस के कुछ सिम्टम हैं, जैसे प्रॉपर पीरियड का ना आना, इरेगुलर मेंसेस, पीरियड के साथ दर्द होना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, 15 दिन से लेकर महीनों तक ब्लीडिंग होती रहती है, अनबियरेबल पेन होता है और कभी कभी असहनीय दर्द के कारण उल्टियां भी होती हैं। मित्रों, आजकल ये बीमारी आम हो गई है। सबसे बड़ी जो इसका कॉम्प्लिकेशन है वह कभी कभी महीने में 2 से 3 बार पीरियड का आ जाना, आसानी पीड़ा दर्द होना, पेट का भारी हो जाना, नीचे की तरफ दबाव होना। मित्रों, ये बहुत ही इजीली होम्योपैथ मेडिसिन से ठीक हो जाता है। जब पेशेंट एलोपैथ की फिजिशियन के पास, सर्जन के पास जाता है, गायनी के पास जाता है, तो वो परेशान हो जाता है ये सुन करके कि यह केस बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा। मित्रों, यह केस मेरे दिन आए दिन मेरे यहाँ आते हैं और बहुत इजीली ठीक हो जाते हैं। इसकी बहुत ही सफल होम्योपैथिक मेडिसिन है और मित्रों, आज उसी मेडिसिन पर एक्सप्लेनेशन करूँगा। मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मेडिसिन बताऊँगा। सबसे अच्छी मेडिसिन बल्कि यूट्रस की है फ्रैक्शनस अमेरिकाना क्यू। मित्रों, फ्रैक्शनस अमेरिकाना क्यू की 15 से 20 बूंद दिन भर में 3 बार दिया जाए और यह लंबे समय तक 2 से 3 महीना तक दिया जाए, बिल्कुल 100% पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन यह ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, 15 से 20 दिन में होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हेमामेलिस क्यू 15 बूंद सुबह दोपहर शाम देना चाहिए। और ये दर्द के साथ रिफ्यूज ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में एक्टियार एसिमोसा 30 हिपोटेसी, ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फास्ट देना चाहिए, और ये नहीं हो रही है तो उसको दिन भर में 3 से 4 बार देना चाहिए। मित्र, और भी कुछ मेडिसिन हैं। यदि पेल्विक रीजन से लेकर के कमर तक पेन होता है और अनबियरेबल दर्द होती है, तो इस कंडीशन में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, तो ट्रिलियम पी की 200 पोटेंसी दिन भर में 3 से 4 बार लिया जाए, निश्चित तौर से 100% या केस ठीक हो जाता है। और कभी कभी यदि हाईवीनस पेल्विक रीजन में मालूम होता है, दबाव प्रेशर नीचे तक मालूम होता है, तो उसमें सेपिया 10 AM की 15 दिन पर 3 डोज देना चाहिए, 2 से 3 महीने में निश्चित तौर से 100% केस ठीक हो जाता है। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर हम मिलेंगे अपने वीडियो के साथ अपने चैनल पर। नमस्कार।